Subscribe GSB Electric and press the bell icon for more latest update. दोस्तों आज 90 से 280 वोल्ट ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर का मैं एक डाटा यहाँ तैयार किया है। ये माइक्रो कंट्रोलर कार्ड है और ये SMD कार्ड है। थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं SMD में। SMD में वो कंपोनेंट नीचे लगा होता है जो रिपेयर की कभी आपको आवश्यकता पड़ती ही नहीं है, इसलिए कंपनी क्या करती है वैसे ही पार्ट्स को यहाँ लगाती है, कंपोनेंट को यूज़ करती है जो कभी रिपेयर करने की आवश्यकता आपको नहीं हो। और जो रिपेयर करने वाली बात है या चेंज करने वाली बात है वो सारा कंपोनेंट यहाँ लगा हुआ है, जो कि ये ट्रांजिस्टर है, ये रेगुलेटर IC है, ये IC है, प्रीसेट है, डायोड है, यहाँ डायोड है, रेजिस्टेंस है। तो जो चेंज करने के ख्याल से है वो यही पार्ट है और जो कभी चेंज करने की आवश्यकता नहीं है ये पार्ट है। इसलिए SMD और नॉन SMD कार्ड में कोई खास अंतर नहीं है। तो और फंक्शन भी इसका बेहतर है, उसमें कहीं से उससे न कम है न ज़्यादा है, यानी बराबर है फंक्शन। तो इसमें जो हमें वोल्टेज कार्ड के हिसाब से जो यूज करना है 192, 136, 166 और 200, लेकिन यहाँ पर हमने फिर 5 वोल्ट का एक डिफरेंस ले लिया है। तो इस तरह से देखेंगे तो ये 200 वोल्ट के लिए वाइंडिंग वो बतला रहा है कि हर लूप के लिए ये वोल्टेज होना चाहिए। कब? जब हम इसके प्राइमरी में 92 वोल्ट देंगे तो हमें यहाँ 200 वोल्ट, 90 वोल्ट देंगे तो यहाँ 200 वोल्ट हमें मिलना चाहिए, यानी 92 से देने पर 200 वोल्ट मिलना चाहिए। तो हम जो स्टेबलाइजर बना रहे हैं वो 90 to 280 के लिए इसको यूज करना है, तो हमें उसी के अनुपात में यहाँ वोल्टेज रखना होगा। चूँकि ये जो फर्स्ट रिले जो कट ऑफ होता है, फर्स्ट रिले तो वो कट ऑफ हो जाता है लगभग आपका 95-98 वोल्ट के आसपास में, उस समय तक जो सप्लाई है वो इसी कॉइल पर रहता है फर्स्ट। लेकिन जैसे वो 127-128 वोल्ट के आसपास जाएगा तो वो पहुंचने लगता है 247-248 वोल्ट के आसपास और फिर वहाँ से कट ऑफ होता है। तो जब कट ऑफ होता है तो वो सीधे इस लूप को छोड़ के आगे वाले टैपिंग को पकड़ता है। तो इस तरह से आपको ये वोल्टेज बढ़ा के वाइंडिंग करना होगा। तो हमने क्या किया है कि 92 वोल्ट का एक रेशियो ले लिया है, तो टोटल 200 वोल्ट है। तो 200 वोल्ट को आप 92 to 280 है तो आप इसे बना लें 92 to 300 वोल्ट, यानी इतना वोल्ट का वाइंडिंग हो जाना चाहिए 300 वोल्ट तक का। तो 200 वोल्ट का 50% आप निकालेंगे तो 300 वोल्ट हो जाता है, यानी 200 वोल्ट का 50% 100 वोल्ट होता है। तो 200 + 100 = 300 वोल्ट। तो आप क्या करें, 92 का 50% निकाल लें, 138 हो जाएगा। उसी तरह 136 का 50% निकालेंगे तो 204 हो जाएगा। 166 का 50% निकालेंगे तो ये कॉइल जो है 249 वोल्ट के लिए वाइंडिंग होगा। फिर 195 का 50% निकालेंगे तो ये 292 वोल्ट के लिए वाइंडिंग होगा। और फिर 200 वोल्ट का आप निकालेंगे 50% तो फिर ये 300 वोल्ट का होगा। तो चूंकि ये तो 138 का हो गया, लेकिन इसके बाद जो है इसमें आप माइनस करते जाएं, 138 में 204 से 138 में माइनस कर लें, 204 में से माइनस करेंगे तो 66 वोल्ट होगा, 249 में 204 माइनस करें तो 45 वोल्ट के लिए होगा, 292 में 249 आप माइनस कर दें 43 वोल्ट होगा, और 300 वोल्ट में 292 माइनस कर लें तो ये 8 वोल्ट के लिए होगा। इस तरह से आपको वाइंडिंग करना है आपके TPB के आधार पर। तो आप यहाँ इस आधार पर कर सकते हैं, 0.97 के आधार पर आप इसका वाइंडिंग कर सकते हैं, आपको इसका टर्न निकल जाएगा, यानी 138 × 0.97 तो ये निकल जाएगा। इसी तरह इसके रिले के लिए जो है, कंट्रोल किट के लिए जो सप्लाई आएगा 25 वोल्ट के लिए 25 × 0.97 कर लें और जो टर्न आएगा वो 25 वोल्ट के लिए होगा, और 12 वोल्ट के लिए यहाँ 14 वोल्ट से इसको मल्टीप्लाई कर लें, जो टर्न होगा वो 12 वोल्ट के लिए होगा। तो चूंकि मैं 24 वोल्ट का इसलिए यूज करता हूँ कि 24 वोल्ट में इस ट्रांजिस्टर के ऊपर लोड कम आता है, चूँकि इसका एम्पियर कंजम्पशन कम होता है। तो 24 वोल्ट यूज करके आप इसे 10 kV, 15 kV तक के भी स्टेबलाइजर में आप यूज कर सकते हैं।
और इसका जो रेगुलेशन है ये 15-16 वोल्ट से ऑन हो जाता है 24 वोल्ट का रिले, लेकिन 12 वोल्ट का जो रिले है वो 10 वोल्ट के आसपास आने पर ही वो ऑन होगा, उससे पहले वो ऑन नहीं होगा। तो इसके अंदर रेगुलेशन बहुत लंबा है, यानी ये 30-32 वोल्ट तक, 16 से लेकर 30-32 वोल्ट तक आराम से काम करेगा, लेकिन ये जो है 18 वोल्ट 17 वोल्ट जाते जाते क्वाइल जलने का संभावना भी रहता है। इसलिए कोशिश करें कि 24 वोल्ट यूज करेंगे तो कार्ड का भी लाइफ अच्छा होगा और आपके रिले का भी अच्छा लाइफ होगा। तो दोस्तों अब चलिए हम कनेक्शन करते हैं। ये आप कनेक्शन डायग्राम को अच्छे तरह से नोट कर लें, इससे दोनों फायदा होगा, आप ट्रांसफार्मर का भी वाइंडिंग कर लेंगे और ये कनेक्शन भी आपको यहाँ से मिल गया। ये मेरा फर्स्ट रिले है, ये एनो है, और सेकंड रिले का ये कॉमन है। ये दोनों आपस में हमें शॉर्ट कर देना है। फर्स्ट रिले का एनो और सेकंड का कॉमन हमने शॉर्ट कर दिया, और ये थर्ड जो है ये आउटपुट रिले है, और आउटपुट रिले का कॉमन और ये हाई कट प्लस टाइम डिले रिले का कॉमन, ये दोनों को आपस में हम शॉर्ट कर देंगे। सारे का रिले का कॉमन एक बना लेते हैं, तो एक कॉमन हमने इसका ले लिया फर्स्ट रिले का यहाँ, फिर सेकंड रिले का जो ये है फिर इसे हमने कॉमन में ले लिया, यानी सारे रिले का एक पॉइंट आपस में हमें शॉर्ट कर देना है। रिले का ये जो है हमने फिर शॉर्ट कर दिया, और फिर ये चौथे रिले का जो क्वाइल होता है रिले को ऑन करने के लिए, वो सारे क्वाइल का एक एक सिरा हमने शॉर्ट कर दिया, और एक ये 2-3-4 ये सिरा बच गया। फर्स्ट इनपुट रिले है, चलिए कलर कोड के हिसाब से ही चलते हैं, इसमें हमने ये रेड कलर यूज किया है। ये सेकंड इनपुट है, इसमें हमने ये ब्लू कलर यूज किया है, सेकंड इनपुट में ब्लू कलर हमने यूज किया है, क्योंकि पिन जब ये कार्ड में मैं कनेक्ट करूँगा तो आपको समझने में बहुत आसान हो जाएगा। ये मैंने आउटपुट पर ये ग्रीन कलर यूज किया है, यानी तीन रिले का ये तीन वायर हो गया, फर्स्ट इनपुट सेकंड इनपुट और आउटपुट रिले। और ये हाई कट प्लस टाइम डिले जो रिले है उसके लिए हमने ये येलो कलर का यूज किया है। और यहाँ से हमने यहाँ 12 वोल्ट के लिए भी निकाला हुआ है और 24 वोल्ट के लिए भी निकाला हुआ है कि हमारे पास दोनों ऑप्शन रहे, तो ये मैं यहाँ 24 वोल्ट के लिए यूज कर रहा हूँ। देखा कॉमन हो गया, ये हमारा फर्स्ट लूप है, यानी फर्स्ट लूप है यहाँ डायग्राम के हिसाब से 92 वोल्ट के लिए, 92 वोल्ट के लिए है या 138 वोल्ट के लिए है। 92 वोल्ट डायग्राम पे है लेकिन एक्चुअल ये वाइंडिंग है 138 वोल्ट के लिए। और ये हमने फर्स्ट रिले के एनसी पर ज्वाइंट कर दिया, एनसी पर इसको ले लें। ये सेकंड लूप है, सेकंड लूप है 136 वोल्ट के लिए, लेकिन ये कार्ड पर आएगा आपको 136 वोल्ट, लेकिन यहाँ ये 204 वोल्ट के लिए वाइंडिंग होता है। कोई भी ट्रांसफार्मर वाइंडिंग करना है तो आपको इस वोल्टेज के आधार पर जो टीपीवी निकलेगा वो आपको करना है। मेरा थर्ड रिले है, थर्ड रिले ये थर्ड मेरा वायर है, तो थर्ड वायर जो है मेरा कहाँ जाएगा, थर्ड रिले यानी आउटपुट रिले के एनो पर जाएगा, यानी तीसरे रिले के एनो पर चला गया। और ये जो चौथा है लूप, ये चौथा लूप सेकंड रिले के एनो पर जाएगा। अगर आपका चार लूप का वाइंडिंग है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप क्या करते कि इसको
ये चौथा अगर ये लूप अगर आपके पास रहता, पांचवा नहीं होता, तो इस लूप को आप इसके एनसी पर डाल देते या यहाँ से यहाँ तक आप शॉर्ट कर देते इसको, और सेकंड रिले का एनो और थर्ड रिले का एनसी आपस में यहाँ से शॉर्ट कर देते तो भी आपका काम करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चार लूप का कनेक्शन का यही तरीका है कि इसे और इसको, थर्ड को और सेकंड के एनो को आपस में शॉर्ट कर देना है। मैं बार बार रिपीट करके बोल रहा हूँ कि आपको याद हो जाए। और ये हमारा पांचवा लूप है, तो पांचवा लूप जो है थर्ड रिले के एनसी पर आ गया। देखिए एनसी और एनओ, एनसी का अर्थ हुआ कि नॉर्मल कॉन्टैक्ट, हर हमेशा कॉमन नॉर्मल पोजीशन में इसके साथ जुड़ा होता है। अगर आप मल्टीमीटर से टेस्ट करेंगे तो हर हमेशा कंटिन्यूटी इसके और इसके साथ आएगा और इसके साथ नहीं आएगा। जब रिले ऑन होगा तो क्या करता है, ये जो कॉमन है इसे छोड़कर इसे कनेक्ट कर लेता है, तब ये आपको कंटिन्यूटी में आएगा। और ऑन के समय कनेक्शन कर रहे हैं, ये ट्रांसफार्मर का वायर मेरा आ रहा है। देखिए यहाँ जो कार्ड है, कार्ड पर देखिए यहाँ लिखा हुआ है 0 to 16 volt, तो 0 to 16 यानी ये फर्स्ट और सेकंड ऑपरेटिंग वोल्टेज है इस कार्ड के लिए। तो इसे मैंने इस ट्रांसफार्मर के साथ जो वाइंडिंग करके निकाला है 24 वोल्ट के लिए, वो यहाँ आपको जोड़ देना है। यहाँ आपने जोड़ दिया, यहाँ आपका सप्लाई आ गया। अब देखिए यहाँ लिख रहा है इनपुट सेकंड, यानी इस पॉइंट पर, तीसरे पॉइंट पर इनपुट सेकंड आएगा। तो सेकंड इनपुट जो है हमने ये ब्लू कलर यूज़ किया है, सेकंड इनपुट के बाद यहाँ लिख रहा है इनपुट फर्स्ट, तो फर्स्ट इनपुट में हमने रेड कलर का वायर यूज़ किया है, ये हमने यहाँ दे दिया। इसके बाद लिख रहा है आउटपुट, आउटपुट रिले में हमने जो लगाया है ग्रीन कलर यूज़ किया था, इसके बाद है TMR यानी टाइम डिले, जो रिले आपको यूज़ करना है उसके लिए हमने ये येलो कलर का वायर यूज़ किया था। और कॉमन जो है चारों रिले का, वो हमने ब्लैक कलर यूज़ किया था। ये हमारे कार्ड का कनेक्शन हो गया। यहाँ देखिए ये जैक बना हुआ है, इसमें तीन पिन है, ये जो है आउटपुट का है और यानी टाइम डिले और आउटपुट और लो कट, तो इसके लिए ये जैक है और इसमें तीन वायर है। इसमें हमने डुअल कलर ये एलईडी यूज कर लिया है, जिसमें ये जो है निगेटिव है और ये टाइमर का हो गया और एक हाई कट का हो गया। इसे आप यहाँ पिन के साथ जोड़ दें, ये जैक लगा दें। और इसमें एक चीज़ और है, QS लो कट इसमें नहीं है, लो कट हटा हुआ है। QS क्यू के स्टार्ट, अगर टाइमिंग में आपको समय ज़्यादा लग रहा है तो आप इसके शॉर्ट करा सकते, क्विक स्टार्ट ले सकते हैं, लेकिन ऐसा बात नहीं है, आप टाइमिंग को बहुत कम से कम यहाँ प्रीसेट के द्वारा कर सकते हैं। यानी टाइमर को एडजस्ट करना है तो इससे एडजस्ट कर लें, और AVR यानी वोल्टेज जो रेगुलेट करना है वो आपको इस प्रीसेट से होगा, जहाँ AVR यहाँ इंडिकेट किया हुआ है AVR। तो चलिए दोस्तों अब इसमें हम थोड़ा सा सप्लाई दे दें, और इसके लिए हमने ये विजुअल करने के लिए एक इनपुट और एक आउटपुट के साथ मीटर मैं जोड़ दे रहा हूँ। आउटपुट जो है इसके एनओ से ही निकलेगा, क्योंकि जब ये रिले टाइम के बाद ऑन होगा तो ये एनओ के साथ कनेक्ट होगा इसका कॉमन, और तब आउटपुट बाहर निकलेगा। और ये यहाँ मुझे सप्लाई लेना है,
इन तार जाएगा, हमने कनेक्ट कर दिया। और देखिए ये ट्रांसफार्मर का जो है कॉमन है, कॉमन पर हम लोग ज़्यादातर न्यूट्रल ही ज्वाइंट करते हैं। ये न्यूट्रल मैंने ये ज्वाइंट जो किया है सिर्फ वोल्ट मीटर के लिए किया है कि वोल्ट मीटर का इंडिकेशन मुझे मिले और मैं ये भैरियक के साथ इसे दे रहा हूँ। और सबसे पहले इसमें आपको देना है 90 वोल्ट। यहाँ देखिए ये टाइमर का टाइम मैंने कम करके रखा था और यहाँ 205 वोल्ट आ रहा है। अब हम इसको बढ़ाएंगे। देखिए बढ़ाने के बाद ये हुआ क्या कि 230 के आसपास कट गया, यहाँ हमें 40 के आसपास इसको ले जाना है, 240 वोल्ट कम से कम ले जाना है। तो इसके लिए हमें AVR प्रीसेट को थोड़ा एडजस्ट करना होगा। थोड़ा सा इसको हम देखिए यहाँ पर ले आए हैं और यहाँ से जो कट है छोड़ाना है, थोड़ा सा दाएं बाएं आप कीजिएगा तो पता चल जाएगा। हाँ, और फिर थोड़ा सा बढ़ाएं, देखिए ये कट सही है, फिर थोड़ा सा नीचे लें। यानी फर्स्ट एक बार आप 90 वोल्ट से 105 वोल्ट के बीच के वेरिएशन में इसे एडजस्ट कर लें। अब देखिए हम लगातार बढ़ाते जा रहे हैं, यानी अगर देखा जाए तो यहाँ से काउंट करें 92 वोल्ट फर्स्ट कट, देखिए फिर यहाँ बढ़ा, सेकंड कट, थर्ड कट, फोर्थ, फिफ्थ और ये जो है लास्ट में हाई कट होना चाहिए, यानी ये हमारा इनपुट हो गया है 290 के आसपास तो कट गया। अब देखिए 280 आया तो फिर ये ऑपरेट हो गया और जैसे इनपुट हमारा बढ़ेगा यानी यहाँ आउटपुट थोड़ा सा और आगे बढ़ेगा वैसे यहाँ आपका ये फाइनल ट्रिप कर जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप इसका सेटिंग कर लेंगे। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक शेयर कमेंट करेंगे और मैंने जो डाटा दे दिया है उसके आधार पर आप खुद से वाइंडिंग भी कर सकते हैं। ट्रांसफार्मर का पूरा कैलकुलेशन इस कार्ड के हिसाब से निकाल लेंगे और इसी तरह से इतना बेहतर काम करेगा कि बहुत बड़ा गैप आपको नहीं आएगा वेरिएशन का। जबकि आप देखते होंगे बहुत सारे स्टेबलाइजर में एक दो पॉइंट ऐसा होता है जहाँ ये गैप ज़्यादा हो जाता है, इसमें वो गैप नहीं आएगा क्योंकि इसके वाइंडिंग का जो डाटा है वो हमने आपको मुहैया करा दिया है। और इसके बाद भी अगर आप चाहेंगे तो मैं 5 KV, 10 KV, 7 KV, 1 KV हर के लिए एक अलग से वाइंडिंग डाटा डिटेल बना के दे दूँगा। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक शेयर कमेंट करें। धन्यवाद।